लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स हमने 6.2 का जो काउंटिंग प्रिंसिपल का टॉपिक है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। जो आप लोगों की 6.2 है इसके अंदर दो ही टॉपिक है, एक काउंटिंग प्रिंसिपल का है, एक परमुटेशन का है। तो काउंटिंग प्रिंसिपल को हमने समझ लिया था क्या होता है, एग्जाम्पल देके डिटेल में सारी बात मैंने आप लोगों को बता दी थी। अब जो टॉपिक रह गया है वो है कि काउंटिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस 6.2 में मौजूद है उनको हम सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम परमुटेशन स्टार्ट करेंगे, फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। तो जो काउंटिंग प्रिंसिपल है ये परमुटेशन के अंदर भी आ जाएगा, आप लोग देखोगे कि परमुटेशन काउंटिंग प्रिंसिपल से आपने निकाला हुआ है। लेकिन फिलहाल जो मेनली काउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर क्वेश्चन आते हैं ना वो डिजिट्स के बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिट्स के जितने क्वेश्चन हैं वो आप काउंटिंग प्रिंसिपल से कर सकते हो, और कितने ऐसे क्वेश्चन है जो आप परमुटेशन से नहीं कर पाओगे। तो और इसके साथ बाकी क्वेश्चन भी हैं जिनके लिए आपको परमुटेशन सीखने की जरूरत नहीं है। बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल वो भी जो आपने पढ़ा है, प्रोडक्ट प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जिसको कहते हैं, उसके जरिए से ही आप सॉल्व करोगे। तो इसलिए मैंने कहा वो क्वेश्चन पहले करवा देता हूँ, बाद में परमुटेशन देख लेंगे। ऐसा नहीं है कि जो काउंटिंग प्रिंसिपल से मैं करवा रहा हूँ वो परमुटेशन से नहीं हो सकता। मैं बाद में परमुटेशन में भी आप लोगों को बताऊंगा कि इन क्वेश्चंस को भी आप परमुटेशन के जरिए से कर सकते हो, लेकिन आसानी ये होती है कि हम काउंटिंग प्रिंसिपल से इन किस्म के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हो। परमुटेशन उसी वक्त हम यूज करेंगे जब हमारे पास सिचुएशन फंस जाएगी या सिचुएशन में हमें आसानी होगी कि हम परमुटेशन का कोई फॉर्मूला यूज कर लें। वहां पे काउंटिंग प्रिंसिपल यूज करना थोड़ा मजा नहीं आएगा, थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए हम कोशिश करेंगे परमुटेशन का फॉर्मूला यूज कर लें, वरना आसान केसेस में हम काउंटिंग प्रिंसिपल, प्रोडक्ट प्रिंसिपल से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो होगा ये कि इंशाल्लाह इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो मैं पुरानी, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि पुरानी बुक में 7.2 जो हुआ करती थी या 7.1 के अंदर काउंटिंग प्रिंसिपल लगता था, 7.2 के अंदर भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिन पे आप काउंटिंग प्रिंसिपल अप्लाई करते थे। तो जो मुझे लगेगा मैं एडिट करके वो क्वेश्चन साथ लगाता जाऊंगा ताकि आप लोगों को मजीद कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। जैसे डिजिट वाले क्वेश्चन जो है यहाँ पे भी हम करेंगे, लेकिन पुरानी बुक में डिजिट वाले काफी अच्छे क्वेश्चन हुआ करते थे, तो मैं एडिट करके वो भी लगा दूंगा ताकि आप लोगों का नॉलेज मजीद बढ़ जाए, क्योंकि आगे ई कैट या इन टेस्ट में ना डिजिट वाले क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस तरह मिक्स एडिट वेडिट करके ना हम सॉल्व करेंगे। बहरहाल अभी ये देख लो कि काउंटिंग प्रिंसिपल से कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमें करने हैं। वो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 7 आप कह लो। इसी तरीके से डिजिट में क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, और 15 ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 19 तक सब डिजिट के। तो ये वो क्वेश्चन है जो इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही कम है इसके। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला हुआ है कि यार आपके पास एक टीम है क्रिकेट की जिसके अंदर आपको पता है कि 11 प्लेयर्स होते हैं। उन्होंने बोला हुआ है कि बताओ कितने तरीके से, इन हाउ मेनी वेज डिफरेंट बैटिंग ऑर्डर्स आर पॉसिबल फॉर अ क्रिकेट टीम कंसिस्टिंग ऑफ 11 प्लेयर्स। देखो क्वेश्चन को समझो, दो किस्म के सवाल ये क्रिकेट टीम से रिलेटेड आते हैं। एक सवाल होता है वो आगे आप कॉम्बिनेशन में पढ़ोगे, ठीक है, वो सवाल मैं बता देता हूं होता कैसे। वो सवाल होता है जिसमें आपको सिलेक्शन करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली 15 खिलाड़ी होते हैं, उसमें से आप 11 सेलेक्ट करके एक मैच खिलवाते हो। तो अगर आपको बोला जाए कि 15 खिलाड़ी हैं उसमें से आपने 11 सेलेक्ट करने हैं, जरा सिचुएशन को समझो। जब आप 15 खिलाड़ी होते हैं ना, आप 11 को सेलेक्ट करोगे तो तब काउंटिंग प्रिंसिपल आप यूज नहीं कर रहे होगे। वो वजह आप लोग बाद में सीख लोगे, मैं डिटेल में जाऊंगा तो फिर वो कॉम्बिनेशन का टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन मैं फर्क बता रहा हूं दोनों सवालों में आता है। एक सवाल होता है कि यार 15 खिलाड़ी उसमें से 11 सेलेक्ट करो, वहां पे आप यूज करते हो कॉम्बिनेशन। लेकिन यहां पे सवाल है कि 11 आपके सिलेक्ट हुए हैं, आपके पास 11 प्लेयर हैं, आपने क्या करना है, आपने उनकी डिफरेंट बैटिंग ऑर्डर रखनी है। अब इसका मतलब क्या है, इसको इस तरह समझो, 11 खिलाड़ी को समझना थोड़ा मुश्किल है, हम 3 खिलाड़ी ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। अगर आपसे बोला जाएगा यार 3 प्लेयर हैं उनकी डिफरेंट बैटिंग पोजिशन क्या होगी, जरा उस पर हम करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे टॉप 3 प्लेयर किसी भी फॉर्मेट में, फॉर एग्जाम्पल वनडे में आपके कौन कौन से होते हैं, हम कंसीडर कर लेते हैं फखर होता है, उसके साथ हम इमाम कर लेते हैं और साथ बाबर कर लेते हैं। अब कंसीडर कर लो ये आपके पास 3 प्लेयर हैं, डिफरेंट बैटिंग ऑर्डर आपने बनाना है। तो एक बैटिंग ऑर्डर तो ये है 1 2 3, ये फखर स्ट्राइक लेगा, इमाम और बाबर वन डाउन पे आएगा, एक तो ये बैटिंग ऑर्डर हो गया। दूसरा बैटिंग ऑर्डर क्या होगा, अब मैं इनके कैपिटल लेटर से लिखूंगा। दूसरा क्या होगा, IFB, मतलब इमाम पहले फखर बाद में, ये तीसरे नंबर पे। एक और ऑर्डर क्या हो सकता है कि बाबर को ऊपर भेज दो, फिर इसी तरह इमाम, फिर फखर। कहने का मतलब इन 3 को अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं, 3 factorial, मतलब 6 अंदाज से आप अरेंज कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्या है इसका, कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है कि आप इसको इस तरह सॉल्व करते हो। काउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर भी मैंने आप लोगों की बात बताई होगी कि आप इस तरह बना के सॉल्व करते हो। यहाँ पे आपके पास 3 इवेंट है, 3 इवेंट का मतलब पहली पोजिशन, दूसरी पोजिशन, तीसरी पोजिशन। पहली पोजीशन पे कितने प्लेयर आ सकते हैं, कोई भी 3 प्लेयर आ सकते हैं। पहली पोजीशन पे आप किसी को भी भेज सकते हो, तो मैं लिखूंगा पहली पोजीशन के लिए 3 ऑप्शन है। अब जब प्लेयर पहली पोजीशन पे आ जाएगा, अब दूसरी पोजीशन पे कितने प्लेयर आपके पास बचेंगे,
दो प्लेयर बचेंगे, और तीसरी पोजीशन पे आप कितने प्लेयर बचेंगे, एक ही प्लेयर बचेगा क्योंकि यहां पे एक आ गया, यहां पे एक आ गया, तो तीसरी पोजीशन पे एक बचेगा। तो 3 × 2 × 1 क्या हो जाएगा, सिंपल 3 factorial मतलब 6 हो जाएगा। तो जितने प्लेयर हैं उतना फैक्टोरियल आप ले रहे हो, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी अरेंजमेंट बन रही होगी प्लेयर्स की, डिफरेंट ऑर्डर्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो तीन अच्छा और भी पॉसिबिलिटी बनेगी, ये है ना, तीसरी चौथी क्या होगी, BFI। अच्छा पांचवी क्या होगी कि अब हम एक काम करते हैं, फखर इमाम बाबर था ना, आप इस तरह कर लो FBI। तो ये कितनी होगी, टोटल 5 होगी है ना। तो एक और आप क्या बना सकते हो, आई के साथ बना सकते हो ना, तो आई ऊपर है और अब BF आप कर लो। तो कहने का मतलब तीन प्लेयर्स थे, तो मैंने आपको बताया 6 बैटिंग ऑर्डर है, फॉर्मूला क्या है, सिंपल 3 factorial। तो इसी एग्जांपल को आप यहां पे ले आओ, आपको बोला गया कि टोटल आपने नंबर ऑफ बेस बताने, आप इस तरह डाटा बना सकते हो, नंबर ऑफ प्लेयर्स, कितने प्लेयर्स हैं भाई आपके पास, 11 प्लेयर्स हैं। तो आप लिखो टोटल, सवाल आपसे पूछा गया था इन हाउ मेनी वेज डिफरेंट बैटिंग ऑर्डर आर पॉसिबल, तो आप लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ वेज, नीचे ब्रैकेट में आप लिख सकते हो डिफरेंट बैटिंग ऑर्डर, मतलब हम जो नंबर ऑफ वेज निकाल रहे हैं ना वो डिफरेंट बैटिंग ऑर्डर्स के निकाल रहे हैं। अगर यहां पे अगर आपको आंसर में 50 मिलेगा ना, तो 50 का मतलब ये होगा 50 तरीके से आप टीम को खिला सकते हो। जैसे अगर आपके पास 3 खिलाड़ी होते हैं तो उनको अगर आपने मैच में खिलाना है तो आप 6 तरीके से खिला सकते थे, या तो ये पॉसिबिलिटी या ये पॉसिबिलिटी, इस तरह 6 तरीके से आप 3 प्लेयर को खिला सकते हो। इसी तरह अगर आपके पास 11 प्लेयर हैं तो 11 प्लेयर में कितने तरीके से आप उनको खिला, फॉर एग्जाम्पल अगर 4 प्लेयर हैं तो अगर आपके पास 4 प्लेयर हैं और आपने मैच में उनको खिलाना है तो आप टोटल 24 तरीके से खिला सकते हो, 4 factorial क्या, तो 24। जैसे यहां पे 6 तरीके थे ना, या तो आप ये भेज दो, अगले मैच में आप ये भेज दो, अगले मैच में ये भेज दो, तो डिफरेंट बैटिंग ऑर्डर है, डिफरेंट चीज बनेगी ना पूरी। तो यहां पे 6 तरीके थे, 4 प्लेयर होंगे तो 24 तरीके, इसी तरह 11 प्लेयर हैं तो कितने तरीके होंगे, 11 factorial। कॉन्सेप्ट क्या है उसका भाई, पहली पोजीशन के लिए 11 प्लेयर है, किसी भी 11 को सिलेक्ट कर लो, दूसरी पोजीशन के लिए भाई 10 प्लेयर है, किसी को भी सिलेक्ट कर लो, तीसरी के लिए क्या है 9, और इसी चलती जाएगी। आप डॉट 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 लगा के भी कर सकते हो, ताकि बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, डॉट 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 लगा लो, एंड पे क्या होगा 2, फिर क्या होगा 1, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे, सही है। और आपने प्रोडक्ट प्रिंसिपल में पढ़ा था कि जब सब इवेंट को आपने एक साथ करना है, क्योंकि सारी टीम एक साथ जाएगी, तो नहीं कि एक मैच में एक ही खिलाड़ी जाएगा, 11 के 11 नहीं जाना है ना, तो आप क्या करते हो सबको मल्टीप्लाई करते हो, इस तरह कर दो। तो सिंपल लैंग्वेज में बनेगा 11 factorial, और 11 factorial आपको कैलकुलेटर से निकाल लेना, जो भी आंसर आएगा वो टोटल नंबर ऑफ बेस आपके पास आ जाएंगे, आंसर बड़ा होगा तो टोटल नंबर ऑफ बेस आपके पास आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल प्रोडक्ट प्रिंसिपल से आप सॉल्व कर रहे हो। जहां तक बात बचो क्वेश्चन नंबर 4 की, एग्जैक्ट ये सवाल पुरानी बुक में मौजूद होता था, मैंने काफी डिटेल में 5-6 मिनट के अंदर ये डिटेल में क्वेश्चन पूरा समझाया था, कॉन्सेप्ट पूरा दिया हुआ था। तो ये अब जो मैं लगाऊंगा वो एडिट करके वही क्वेश्चन लगा दूंगा, डाटा थोड़ा फर्क होगा, चीजें यही थी कि केमिस्ट्री की बुक थी, फिजिक्स की बुक थी, इंग्लिश की बुक थी, बस चेंज थी, मैं ख्याल में 2 इंग्लिश की होंगी, 2 केमिस्ट्री की होंगी, शायद सिंधी की बुक थी वहां पे, तो हल्का फुल्का डाटा चेंज है, करना आपको यही काम है, एग्जैक्ट यही सवाल के मैंने वहां पर। तो क्वेश्चन नंबर मैं अब एडिट करके वो लगा दूंगा, आप लोग देख लेना, उसको जब समझोगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा किस तरह करना है। प्लस मैं एक और क्वेश्चन जो है जो पुरानी बुक में होता था वो भी मैं एडिट करके लगा दूंगा, वो इसी किस्म का सवाल था, लेकिन थोड़ा सा डाटा उसका चेंज था, मतलब कंडीशन चेंज थी, उनमें सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट दी हुई थी। तो जरा उस क्वेश्चन को भी देख लेना कैसे आपने सॉल्व करना है, ठीक है। अब जरा आप लोग क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 12 पे क्या लिखा हुआ है, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 इंग्लिश 2 उर्दू 2 सिंधी बुक्स, टोटल कितनी होगी, 3, 2, 5, 5, 2, 7, टोटल बुक 7 है, तो आप लिखो नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, 7 है। अच्छा अब सब्जेक्ट की देखो, नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स ई कैपिटल होगा, ख्याल रख लेते हैं थोड़ा, इंग्लिश बुक्स कितनी है भाई, 3 है। नंबर ऑफ उर्दू बुक्स कितनी है, 2 है। नंबर ऑफ सिंधी बुक कितनी है, 2 है। ये डाटा आपको गिवन है, करना क्या है, इन हाउ मेनी वेज क्या आप इन बुक्स को अरेंज करो ऑन अ शेल्फ, एक शेल्फ के ऊपर, मतलब रॉ वाइज में अरेंज कर रहे हो, सर्कुलर कोई ऐसा सीन नहीं आया अभी तक, सो एज टू कीप ऑल द बुक्स इन ईच लैंग्वेज टुगेदर। वो कह रहे हैं कि आपने इस तरीके से अरेंज करना है कि जो एक सब्जेक्ट की बुक्स हैं वो साथ ही रहे, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश की बुक्स साथ रहे, उर्दू की बुक साथ रहे, सिंधी की बुक साथ रहे, इनको अलग अलग नहीं करना कि एक फॉर एग्जाम्पल, और ये कंसिडर कर लो इंग्लिश की बुक डिफरेंट है यहाँ पे, ये मतलब इस सवाल में इम्प्लाइड है कि इंग्लिश की बुक डिफरेंट है, उर्दू की डिफरेंट है, इस तरह समझ लो कि 3 इंग्लिश की बुक में एक 4 क्लास की बुक है, एक 5 क्लास की बुक है, एक 6 क्लास की बुक है, उर्दू में कंसिडर कर लो 4 क्लास की 5 क्लास की, और सिंधी तो मेरे ख्याल में 9 में पढ़ी जाती है हमें,
दो बुक्स कैसे लाए, फॉर एग्जाम्पल 9-10 कर लो आप इसको, तो डिफरेंस उर्दू में है लेकिन डिफरेंट बुक्स है उर्दू में भी, इसी तरह इंग्लिश 3 है लेकिन डिफरेंट होगी वो। लेकिन आपने करना क्या है, इन सब बुक्स के साथ रखना है, ये नहीं कि दो इंग्लिश की बुक उनके साथ एक उर्दू की आ गई फिर एक इंग्लिश सिंधी के साथ आ गई, नहीं, इंग्लिश एक साथ हो, उर्दू एक साथ हो, सिंधी एक साथ हो। अभी कैसे करोगे आप, ये आपने जब ग्रुप्स को, कुछ ग्रुप्स को एक साथ रखना होता है तो ये उनकी प्रमोटेशन निकालने का मेथड है। किस तरीके से निकालोगे, मैं थोड़ा सा मेथड आपको समझा देता हूं ताकि आप लोगों को बात क्लियर हो जाए। यहां पे 3 ग्रुप बनेंगे, बना लेते हैं। सबसे पहला ग्रुप इंग्लिश का, फिर दूसरा ग्रुप उर्दू का, और फिर तीसरा ग्रुप सिंधी का। अब ये ग्रुप्स आपस में तो अरेंज हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल भाई पहले उर्दू आ जाए फिर इंग्लिश आ जाए, अच्छा पहले इंग्लिश है दूसरे नंबर पे सिंधी आ जाए उर्दू आकर नंबर पे चला जाए, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि ग्रुप्स आपस में अरेंज हो जाए, लेकिन किताबें आपस में सेम ही रहेंगी, मतलब इंग्लिश की बुक 3 एक साथ ही रहेंगी। इसको आप इस तरह समझ सकते हो, इंग्लिश 1 इंग्लिश 2 इंग्लिश 3, उर्दू 1 उर्दू 2, सिंधी 1 सिंधी 2, ठीक है। नेक्स्ट रेंज में आप क्या कर सकते हो, इंग्लिश 1 इंग्लिश 2 इंग्लिश 3, ये तीनों एक साथ ही रहेंगे, इनको नहीं ला सकते, आप सिंधी को पहले ले आओ, इस तरह आप अरेंज कर सकते हो शायद, इस तरह कर लो, ठीक है। तो सेम सब्जेक्ट की बुक साथ है लेकिन ग्रुप के तो ऑर्डर चेंज हो सकते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल एक सिचुएशन में सिंधी की बुक्स पहले ले आओ फिर आप इंग्लिश की बुक ले जाओ और फिर आप उर्दू की बुक ले आओ, ये डिफरेंट अरेंजमेंट है। तो यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करो 3 ग्रुप है, मतलब 3 एलिमेंट्स है जिनको आपस में आप अरेंज कर रहे हो। तो यहां पे अगर आप देखो ये टोटल कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो मैं डायरेक्ट बता देता हूं कि नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे। नंबर ऑफ वेज निकालने का सबसे पहला फॉर्मूला क्या होगा, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। 3 फैक्टोरियल कहां से आया भाई, 3 चीजों को अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं, 3 फैक्टोरियल होते हैं, 3 चीजों को अरेंज करने के 6 तरीके होते हैं, मतलब 3 फैक्टोरियल। अब सवाल ये कि 6 तरीके होंगे तो मैं लिख सकता हूं, यहां पे 6 पॉसिबिलिटी में लिख सकता हूं आप लोगों के सामने, लेकिन ये आपस में भी तो अरेंज हो सकती है ना। ये किसने आपको कहा कि इंग्लिश 1 इंग्लिश 2 इंग्लिश 3 आपस में अरेंज नहीं हो सकती, लाइक ये एक अलग अरेंजमेंट है और ये एक अलग अरेंजमेंट है। मैंने कुछ भी अरेंजमेंट के साथ छेड़खानी नहीं की, बस ये काम किया कि अब मैं इंग्लिश 3 को पहले ले, इंग्लिश 2 को बाद में ले। फॉर एग्जाम्पल 5, 6, 7 की बुक थी ना, पहले आपने 5 रखा था फिर 6 की फिर 7 की, नेक्स्ट अरेंजमेंट में आप क्या करो, पहले 5 रखो फिर 7 रखो फिर 6 रखो। तो इंग्लिश की बुक्स आपस में तो अरेंज हो सकती है ना, साथ रहेंगी लेकिन अरेंज तो हो सकती है आपस में। इसी तरह उर्दू की बुक भी आपस में अरेंज हो सकती है, उर्दू टू उर्दू 1 कर दो, सिंधी की बुक भी आपस में अरेंज हो सकती है। तो इंग्लिश की बुक को अरेंज करने के कितने तरीके हैं, 3 फैक्टोरियल। अब ये डायग्राम अगर आप बनाओगे ना तो ये काफी है आपके लिए, जिसको आप समझाना चाह रहे हो ना, डायरेक्ट देखो मैं डायरेक्ट यहां पे ये चीज लिखवा दूं ना, आप लोगों को समझ आएगी ना, जो सॉल्व कर रहा है उसको समझ आएगी, मतलब उसको सॉल्यूशन तो पता होगा लेकिन वो ये समझ सकते कॉपी किया होगा किसी बच्चे ने, उसको एक क्लैरिटी नहीं होगी कि यार बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। तो आपने वो सॉल्यूशन करना है जो खुल के बताए कि नहीं यार इस बंदे के कॉन्सेप्ट ठीक है। तो कैसे करोगे, आप यहां पे हाईलाइट कर दो कि 3 इंग्लिश की बुक थी उनको आपस में अरेंज करने के कितने तरीके हैं, 3 फैक्टोरियल। 2 उर्दू की बुक थी आपस में अरेंज करने के कितने तरीके हैं, 2 फैक्टोरियल। 2 इंग्लिश सिंधी की बुक थी इनको अरेंज करने के भी कितने तरीके, 2 फैक्टोरियल। और ये सब काम आप एक साथ करोगे, ये पूरी अरेंजमेंट एक साथ है ना, कोई ऐसा इवेंट तो नहीं है ना कि या इंग्लिश को कर लो या सिंधी को कर लो, नहीं, सब काम आपने एक साथ करने। तो प्रोडक्ट, अब देखो यहां पर परमोटेशन मैं यूज नहीं कर रहा क्योंकि मैंने कहा था असल चीज प्रोडक्ट प्रिंसिपल है, परमोटेशन कॉम्बिनेशन तो ये बात की चीज है जो प्रोडक्ट प्रिंसिपल से आई है, असल चीज है आपका प्रोडक्ट प्रिंसिपल। तो प्रोडक्ट प्रिंसिपल मुझे क्या कह रहा है, किनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि सब काम आपने एक साथ करने, तीनों का सेट आपने एक साथ बनाना है पूरी शेल्फ पे, ठीक है। तो मैंने सबको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 3 फैक्टोरियल है टोटल, 3 ग्रुप्स को अरेंज करने की पॉसिबिलिटीज, ये 3 है इंग्लिश को अरेंज करने की, ये 2 है सिंधी को, ये 2 है उर्दू को, सब काम एक साथ करने हैं, मतलब आपको तीनों ग्रुप को शफल भी एक साथ करोगे, आप अरेंजमेंट भी छेड़ सकते हो उर्दू इंग्लिश किसी की भी, सब काम एक साथ होंगे। तो आप सॉल्व कर लो इसको, ये हो जाएगा 6 × 6 × 2 × 2 36 को 2 से करो 72 को करो 144, तो कितनी पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी, 144 पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी इन बुक्स को आपस में अरेंज करने की, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन 7 डिफरेंट बुक्स बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ, आपसे पूछ रहे हैं कि भाई 7 बुक को आपने शेल्फ में अरेंज करना है, कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो। तो नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, 7 बुक्स है, तो कितनी अरेंजमेंट बन सकती है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी बनेगी भाई, जितनी ऑब्जेक्ट है उन सबको आपस में अरेंज करना है। तो परमोटेशन का जो रूल नंबर 1 बताया था उसका केस नंबर 1 था,
कि जितनी चीजें हैं अगर उन सबको अरेंज करना है, मतलब आर अगर एन के बराबर है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 7 फैक्टोरियल। और 7 फैक्टोरियल क्या होता है, 5040। मैंने तभी कहा था कुछ फैक्टोरियल है अगर वो आप याद कर लो तो काफी आसानी है। अब देखो पेपर में 10 सेकंड बन जाएंगे आपके, आप कैलकुलेटर निकालोगे, कितनी दफा आपकी सिटिंग इतनी अजीब सी होती है ना, कैलकुलेटर ने दबाया आपने साइड बाइड पे निकाला गिर गया, चार लोग आपको देख रहे होंगे पता नहीं क्या कर रहे हैं यार ये, फिर आप कैलकुलेट करो, फिर फैक्टोरियल ढूंढ रहे होगे फैक्टोरियल क्या है, फिर निकालोगे। तो सर बेहतर नहीं कि आप शुरू किए 5-7 फैक्टोरियल मैंने कहा था एटलीस्ट ये याद कर लो, काफी काम आते हैं। तो 7 फैक्टोरियल आंसर आ गया 5040। अच्छा फिर सवाल यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, लिखा हुआ इन हाउ मेनी ऑफ दीज वेज, ये तो टोटल आपने वेज निकाले ना कि 7 चीजों को अरेंज करने के टोटल 5040 तरीके। अब इसमें से कुछ सिचुएशंस होंगी ना, उन्हीं में से कुछ सिचुएशन डिस्कस की है कि हाउ मेनी ऑफ दीज वेज विल अ स्पेसिफिक बुक बी एट द सेंटर। कि फॉर एग्जांपल 7 बुक है 7 डिफरेंट सब्जेक्ट की, ये समझ लो कि और ये कंसिडर होनी चाहिए कि 7 डिफरेंट है यहाँ पे, सेम नहीं है, क्योंकि अगर सेम होगी तो 7 अगर सेम की सेम है तो अरेंज करने का फायदा ही नहीं है उसको, तब सब सेम है तो अरेंजमेंट सेम ही मानी जाएगी, एक ही अरेंजमेंट है उसकी बात। तो अगर आपने कोई स्पेसिफिक बुक को सेंटर में रखना है, ठीक है कोई स्पेसिफिक बुक है उसको आपने सेंटर में रखना है, तो आप क्या करो, पार्ट वन इसको कहते हैं कि इफ स्पेसिफिक बुक बी एट अ सेंटर, स्पेसिफिक बुक अगर आप सेंटर में रखना चाह रहे हो तो तब आपकी कितनी अरेंजमेंट बनेगी। तो जरा इसको ना हम प्रोडक्ट प्रिंसिपल से समझते हैं इस बात को, क्योंकि तो याद रखना कि जब आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन आ जाती है ना तो परमोटेशन वहां पे यूज नहीं कर रहे होते यार, होता फॉर्मूला वही है, यूज 6 फैक्टोरियल करोगे आप, आंसर इसका 6 फैक्टोरियल होगा, लेकिन आप पहले प्रोडक्ट प्रिंसिपल सिचुएशन समझते हो, आप इस पर कोई परमोटेशन का कोई फॉर्मूला डायरेक्टली लगा दोगे। सिचुएशन क्या है कि फॉर एग्जाम्पल 7 प्लेसेज है ना, 4, 5, 6, 7, तो जो स्पेसिफिक बुक है सेंटर में आएगी, बिल्कुल जो सेंटर है 3 इस तरह 3 इस तरह, स्पेसिफिक बुक आपने सेंटर में रख ली, अब इधर कोई और नहीं आ सकती। फॉर एग्जाम्पल आप बोलो कि इंग्लिश की बुक है वो सेंटर में आएगी, उसको नहीं आप छेड़ सकते, इसका मतलब एक जगह जो है वो आपने एक बुक से फिल कर दी है, इंग्लिश की बुक अब कहीं और नहीं आएगी, इंग्लिश की बुक सेंटर में आएगी, कोई और बुक सेंटर में नहीं आ सकती, दैट सेट कंसीडर कर लो एक बुक जो है फिक्स है, इसका मतलब ये पोजीशन हटाई दो यहां से। अब 7 बुक थी पहले, 7 प्लेसेस थी, अब एक बुक और एक प्लेस आपकी खत्म हो गई है, क्योंकि उसको तो आप कंसीडर कर नहीं सकते, वो हिल नहीं सकती वहां पे, इंग्लिश जो है वो सेंटर में ही रहेगी चाहे कोई भी अरेंजमेंट आप डिस्कस कर लो यहां पे, उसका मतलब बाकी 6 बुक बची है। तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी 6 बुक आप यहां पे पुट कर सकते हो, कोई भी 5, फॉर एग्जाम्पल कोई एक आपने पुट कर दी तो रिमेनिंग 5 बची है, कोई भी 5 आप इस जगह पे पुट कर सकते हो, फिर पुट कर दी कोई भी 4 पुट कर सकते हो, कोई भी 3, कोई भी 2 और आखिर में जो बचेगी वो आप यहां पे पुट कर दोगे। तो प्रोडक्ट प्रिंसिपल है तो आप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। अच्छा ये आप वर्किंग दिखा देना उनको, ये लाजमी समझना है कि कोई साइड वर्किंग है, रफ वर्क है, दिखाना कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करना। अब एक बच्चा फॉर एग्जाम्पल 6 फैक्टोरियल लिखा हुआ उसने, और एक बच्चे ने एक चीज बनाई है, क्या फर्क नहीं होगा इनमें, बिल्कुल फर्क होगा। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल क्या होता है 720। तो चीजों में फर्क होता है, दैट्स व्हाई सॉल्यूशन अपना अच्छा करने की कोशिश करो, यही सॉल्यूशन जिंदगी में भी करो। मतलब अब मैं कदरे फ्री, नमाज का वक्त हो गया है, 1 मिनट के फासले से मस्जिद है और मैं घर में नमाज पढ़ूं, और इसके कंपैरिजन में बेचारा एक मजदूर है जिसकी मस्जिद थोड़ी दूर है, कंसीडर कर लो 5 मिनट का रास्ता है, जबकि सख्त गर्मी भी है, जबकि उसको पता है मैं छोड़ के जाऊंगा तो मुझे ऊपर से मेरा जो ठेकेदार है वो मसला करेगा, वो बेचारा वहां कोने पे कहीं नमाज पढ़ लेता है जमात के साथ, सॉरी अकेले नमाज पढ़ लेता है, तो मेरा अकेला नमाज पढ़ना और उसका अकेला नमाज पढ़ना के बराबर होगा नहीं, मुझे सर्कमस्टांसेस अल्लाह ताला डिफरेंट दिए थे, उसको सर्कमस्टांसेस डिफरेंट दिए थे, तो अल्लाह ताला देखेगा गिवन सर्कमस्टांसेस में तुमने कैसा परफॉर्म किया। ये मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जो है ना उनसे बात सीखी थी, तो वही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो कि एक बच्चा 6 फैक्टोरियल लिख के डायरेक्ट आंसर छोड़ रहा है, जबकि एक प्रॉपर रीजन बता रहे कि मैंने 6 फैक्टोरियल क्यों लिखा है, तो खुद सोचो कि अच्छे नंबर अच्छा इंप्रेशन किसका पड़ेगा। उनके सवाल वो छोटे छोटे से होते हैं, मेन कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर, वो कॉन्सेप्ट आपने पकड़ लिया कुछ भी नहीं होता इसके अंदर। दूसरा लिखा है एट आइदर एंड, कि पहले उन्होंने बोला था कि एक स्पेसिफिक बुक है फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, वो सेंटर के अंदर है आपने बता दिया, अब वो बोल रहे हैं कि इंग्लिश की बुक जो है वो किसी भी एक एंड पे, मतलब ऐसी सिचुएशन जिसमें स्पेसिफिक बुक जो है वो एक एंड पे फिक्स की दिया आपने, जैसे पहले सेंटर में फिक्स किया था ना, अब आपने एक एंड पे फिक्स कर दिया उसको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यही 7 प्लेसेस मैं लिख देता हूं पहले, कि इफ स्पेसिफिक
एट आइदर एंड, पी एट आइदर एंड, जो भी इंग्लिश लिखनी है बस समझाने के लिए, पी एट आइदर एंड। तो फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करो कि आपकी जो 7 बुक्स हैं ये मैंने बना दी, और पहली प्लेस जो है ये फिक्स कर दी आपने। एंड का मतलब इसलिए होता है कि ये वाला एंड दूसरा वाला एंड, दो एक्सट्रीम पॉइंट इसको हम कहते हैं एंड को, कि जो एक्सट्रीम पॉइंट है दोनों तरफ इसको एंड बोला जाता है। अच्छा, तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्पेसिफिक बुक है, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश है, वो आपने स्टार्ट में फिक्स कर दी, अब बाकी को रेंज किस तरीके से करोगे? 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो इंग्लिश की बुक यहां पे, ये एक अरेंजमेंट है, ठीक है। अब दूसरी अरेंजमेंट क्या होगी? उन्होंने बोला आइदर एंड, दोनों एंड पे किस, अच्छा बैक वक्त तो नहीं हो सकती ना स्पेसिफिक दोनों जगहों पे, या तो पहले इस एंड पे होगी या दूसरे एंड के ऊपर होगी, एक वक्त में एक ही बुक दो एंड पे तो नहीं हो सकती ना, मतलब क्या चल रहा है यहां पे। तो या तो ये वाली पॉसिबिलिटी बनेगी या ये वाली पॉसिबिलिटी बनेगी कि वो बुक इस वाले एंड पे फिक्स कर दिया आपने। तो ये जो अरेंजमेंट है जो ऊपर मैंने लिखी है, इसमें स्टार्ट इंग्लिश की बुक से होगा और बाकी अरेंजमेंट आप करोगे, और जो दूसरी अरेंजमेंट है इसमें जो सारी अरेंजमेंट होंगी उसमें एंड पे इंग्लिश होगी, स्टार्ट में सारी क्या होंगी? बाकी बुक्स होंगी। अब ये दोनों अलग है भाई, पहली अरेंजमेंट में इंग्लिश सब एक इंग्लिश स्टार्ट हो रही है सबसे पहले, और दूसरी अरेंजमेंट में इंग्लिश पे एंड हो रहा है, तो दोनों अरेंजमेंट अलग है, लेकिन ये दोनों अरेंजमेंट एक साथ नहीं हो सकती, ये पॉसिबल नहीं है। या तो ये वाली अरेंजमेंट है या ये वाली अरेंजमेंट है। मैं इस या पे इतना क्यों फोकस कर रहा हूं? क्योंकि ये सम प्रिंसिपल का केस है जो आपने काउंटिंग प्रिंसिपल में पढ़ा था, कि इस इवेंट को करने के कितने तरीके हैं? 6 फैक्टोरियल। इस इवेंट को करने के कितने तरीके हैं? 6 फैक्टोरियल। ये दोनों इवेंट एक साथ नहीं हो सकते, या तो पहला करोगे या दूसरा करोगे। सम प्रिंसिपल क्या करते हो? सम प्रिंसिपल में एड करते हो। तो यहां पर इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये आपने जो पेपर चेक करा उसको समझा दिया। आप कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन क्या होगी इसकी? नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी होगी? पहली वाली सिचुएशन में अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल, दूसरी में भी 6 फैक्टोरियल, सम प्रिंसिपल आप ऐड करो, 720 प्लस 720 ये हो जाएगा 1440, ये इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने डिटेल में देख लिया, क्वेश्चन नंबर 4 आपने उम्मीद है समझ लिया होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास क्या लिखा हुआ है? अ फेयर कॉइन इज टॉस 3 times, how many outcomes are possible? Find by fundamental principle and illustrate using tree diagram. Tree diagram का मैंने आप लोगों को concept दिया हुआ था, पहले आप वैसे outcome निकालो, फिर tree diagram से भी दिखा देंगे। अच्छा जी, सबसे बहुत easy answer इसका होता है, easy answer ये है कि question number 7 है, आप ये बोल सकते हो कि कितनी दफा, क्या कहना, क्या लिखा हुआ है उन्होंने, fair coin is tossed 3 times। आप लिख सकते हो a fair coin टॉस 3 times। अच्छा, सवाल को दोनों तरीके से आप समझ सकते हो, ये सवाल दो तरीके से आ सकता है कि एक कॉइन को 3 दफा टॉस किया या 3 कॉइन को 1 दफा टॉस किया, सेम ही सिचुएशन बन रही होगी यहां पे। सवाल की वर्डिंग डिफरेंट है लेकिन करना सही काम ही होगा। आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो आपको सवाल में निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, अगेन वही पहला इवेंट, दूसरा इवेंट, तीसरा इवेंट। पहला इवेंट का मतलब कि आपने कॉइन को 1 दफा टॉस किया, कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है? 2, या तो हेड आ जाएगा कॉइन, जो आपने क्रिकेट अपना वाला कॉइन नहीं, उसमें तो मस्जिद और मदन क्या बना हुआ है, वो जो क्रिकेट में कॉइन होता है उसमें हेड और टेल होता है। तो अगर आप पहली दफा जब कॉइन को टॉस करोगे तो कितने आउटकम, अच्छा फेयर कॉइन का मतलब होता है कि कॉइन बाइस नहीं है, बाइस का मतलब कॉइन ऐसा कोई खराब ना हुआ हो या उसकी ऐसी शेप ना हुई भी हो कि वो ज्यादा दफा हेड दे रहा हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप टेल वाली साइड को टिप बना दो, अगर आप उसको मतलब इस तरह करो कि टिप बन जाए तो वो उसके ऊपर आएगा नहीं, या वो टेढ़ा हो जाएगा या वो हेड के ऊपर आ जाएगा। तो कहने का मतलब कॉइन फेयर होना चाहिए कि 50-50 चांस है या तो हेड आ जाए या टेल आ जाए, इसको फेयर कॉइन कहते हो। दूसरा जो है उसको बाइस्ड कॉइन कहते हैं कि यार वो किसी एक की तरफ उसका झुकाव है, इस तरह आप कह सकते हो। तो अगर फेयर कॉइन है तो आप जब उसको टॉस करोगे तो 2 ही पॉसिबिलिटी है उसमें, या तो हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा। चाहो तो आप नीचे मेंशन भी कर सकते हो, ये आगे मैं डिजिट वाले क्वेश्चन में भी आपको बताऊंगा कि नीचे आप सेट के अंदाज में मेंशन कर दो कि 2 पॉसिबिलिटी कौन सी, हेड और टेल। जब दूसरा इवेंट है, दूसरा इवेंट का मतलब जब दूसरी दफा आप कॉइन को टॉस करोगे, अगेन 2 पॉसिबिलिटी है, हेड भी आ सकता है टेल, तीसरे में भी यही होगा। फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल ने बताया था कि आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। नीचे निकाल ली। फिर सवाल में क्या बोला हुआ था कि फाइंड बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल, वो तो हमने मालूम कर लिया।
एंड इलस्ट्रेट यूजिंग ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम से आपने उनको बताना भी है। अब ट्री डायग्राम से कैसे बनाओगे, बहुत इजी अंदाज है। ट्री डायग्राम मैंने आप लोगों को सिखाया था, स्टार्ट होता है एक नोड से, इसको आप नोड कहते हो, ठीक है। एक ब्रांच आप बनाओ, एक ब्रांच इधर बनेगी, इसके एंड पे लिखो हेड आ जाए, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है टेल आ जाए। ये पहली दफा जब आप कॉइन टॉस करोगे तो ये पूरी ब्रांच आपने बना दी। अब जब आप दूसरी दफा कॉइन टॉस करोगे, पहली बात क्या है, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर लो, पहली दफा जब आपने कॉइन टॉस किया था तो आपके पास हेड आया है, तो जब दूसरी दफा कॉइन टॉस करोगे तो क्या आएगा, हेड या टेल कुछ भी आ सकता है। तो आप क्या लिखोगे भाई, या तो हेड भी आ सकता है या टेल भी आ सकता है। भाई पहली दफा हेड आया, दूसरी दफा जब टॉस करोगे तो अगेन पॉसिबिलिटीज है ना, हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, ये दूसरी दफा का है। इसी तरह अगर पहली दफा टेल आया है तो दूसरी दफा हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, ये आपका दूसरी दफा कॉइन टॉस हो गया। अब जरा तीसरी दफा पे आओ, भाई पहली दफा हेड आया, दूसरी दफा हेड आया, तीसरी दफा क्या आएगा, अगेन हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है। ये डिपेंडेंट इवेंट तो नहीं है ना, डिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या होता है बताया हुआ आप लोगों को, कि ये तो नहीं है ना कि भाई पहली अगर दो दफा हेड आएगा तो तीसरी दफा टेल लाजमी आएगा, नहीं भाई तीसरी दफा अगेन कुछ भी आ सकता है। तो अगेन आप ये बोल सकते हो कि भाई हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, सेम पॉसिबिलिटी यहां पे भी आप बना दो कि पहली दफा हेड आया, दूसरी दफा टेल आया, तीसरी दफा क्या आएगा, भाई हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, सेम यहां पे बना दो हेड टेल, इसी तरह हेड टेल, ये सारी पॉसिबिलिटी आपने लिख दी। अब डायग्राम से, ट्री डायग्राम मैंने पहले भी बताया था पढ़ने का तरीका क्या होता है, आउटकम को आप कैसे लिखते हो, आउटकम को आप इस तरह ब्रांच के जरिए से पढ़ रहे होते हो कि हेड हेड हेड, ये पहला आउटकम है। ये जो आठ लिखे हुए ना ट्री डायग्राम ने आपको बताया है कि आठ का मतलब क्या है, कि पहली दफा हेड आ गया, दूसरी दफा हेड आ गया, तीसरी दफा हेड आ गया, ये पहला आउटकम है। दूसरा आउटकम क्या होगा, पहली दफा हेड, दूसरी दफा हेड, तीसरी दफा टेल, अब ये अलग चीज है पूरी। तीसरा आउटकम क्या है, पहली दफा हेड, दूसरी दफा टेल, तीसरी दफा हेड, फिर टेल, फिर टेल हेड हेड, फिर टेल हेड टेल, इस तरह पूरा करके आपके पास टोटल आठ आउटकम यहां पे बन जाएंगे। चाहो तो आप लिख भी सकते हो इस तरह कि ये आउटकम रिप्रेजेंट कर रहा है हेड 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 को, ये आउटकम रिप्रेजेंट कर रहा है हेड हेड टेल को, ये आउटकम रिप्रेजेंट कर रहा है हेड टेल हेड को, इसी तरह बाकी भी आठ जो बाकी पांच है उनको भी आप मेंशन कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व करोगे। अच्छा बच्चों, अब मुझे करवाना था क्वेश्चन नंबर 8 डिजिट वाला था, लेकिन मैं चाहूंगा क्योंकि डिजिट वाले क्वेश्चन मैं एक बहुत डिटेल में आप लोगों को सॉल्व करवाया था पुरानी बुक के अंदर, तो अब मैं एडिट करके ना वो वाला क्वेश्चन लगा दूंगा, वो डिजिट एग्जैक्ट उसका यही डाटा है और उसके अंदर ऐसे है, क्योंकि दो किस्म के होते हैं, या तो आपके डिजिट्स में जीरो आ रहा है या जीरो नहीं आ रहा, तो दोनों केस मैंने उस पुराने सवाल में सॉल्व करवाया है जो एडिट करके मैं लगाऊंगा, तो उसको जरा गौर से समझ लो। अगर आपने उसको समझ लिया तो एटलीस्ट 8 में तो कोई मसला नहीं होगा, सेम वही है जो आप लोग अभी देखोगे, तो 8 तो आपसे हो जाएगा, बाकी कॉन्सेप्ट और सॉल्व किस तरह करना है, मेथड डाटा किस तरह बनाना है वो भी आप सीख लोगे। तो आप जरा उस क्वेश्चन को देख लेना, फिर मैं इंशाल्लाह 8 सॉल्व करवाता हूं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने 7.1 जो है वो कंप्लीट की थी, इंशाल्लाह 7.1 के 2-3 सवाल रह गए थे डिजिट से रिलेटेड, और जो 7.2 है उसमें भी डिजिट वाले सवाल है। तो 7.1 और 7.2 में जो डिजिट वाले सवाल है ये बहुत ही मशहूर जमाना सवाल है, जो आप लोगों को अपने बोर्ड एग्जाम में भी नजर आएंगे, एमसीक्यूज में भी नजर आते हैं, इवन जो यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट होते हैं उसमें भी नजर आ रहे होते हैं आपको, ये उन सबको मैं एक साथ करवाऊंगा, ठीक है। ये और अल्फाबेट की अरेंजमेंट, ये दोनों बड़े मशहूर सवाल है, डिजिट की अरेंजमेंट डिजिट से रिलेटेड सवाल होंगे, और फिर 7.2 में जब आप जाओगे अल्फाबेट से रिलेटेड सवाल होंगे, तो इन सबको मैं एक साथ करवाऊंगा। डिजिट से जरा देख लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है 7.1 का सबसे पहला सवाल है वो डिजिट से रिलेटेड, जरा देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन है, किस तरीके से करना है। लिखा हुआ है हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स ऑफ 4 डिजिट, पूछा जा रहा है कि कितने नेचुरल नंबर है 4 डिजिट के दैट कैन बी फॉर्म विद अ 4 डिजिट। 4 डिजिट का नेचुरल नंबर तो आपको बनाने हैं, लेकिन आपको गिवन डिजिट क्या है 2, 3, 5, 7, इन्हीं में से आपको बनाने हैं। लाइक 4 डिजिट का नंबर ये भी है 1, 5, 7, 8, ये 4 डिजिट का नेचुरल नंबर है, लेकिन ये गिवन जो डिजिट है ना उससे नहीं बना हुआ, गिवन डिजिट आपके पास है 2, 3, 5, 7, इन्हीं में से आपने 4 डिजिट का नंबर बनाना है। फॉर एग्जाम्पल एक तो ये बना सकते हो 23, 5, 7, फॉर एग्जाम्पल 32, 7, 5 ये बना लो, फॉर एग्जाम्पल 7, 2, 3, 5। तो ये जो 4 डिजिट के नंबर है ये कहां से बने, ये इन्हीं डिजिट से बने, इसके बाहर से नहीं बने। तो आपने ये काम करना है, सबसे पहला पार्ट लिखा और उसके आगे लिखा हुआ नो डिजिट बींग यूज मोर देन वंस इन ईच नंबर।
देखो अगर फोर डिजिट का कोई नंबर आपने जिंदगी में देखा होगा तो ये भी तो हो सकता है ना, क्या ये फोर डिजिट का नंबर नहीं है? बिल्कुल है, और इसमें जो डिजिट मैंने यूज किए वो इन्हीं में से यूज किए मैंने, कोई बाहर वाला यूज नहीं किया। बस मैंने अब क्या किया, मैंने एक डिजिट को दो दफा यूज किया, तो नंबर्स में अलाउ है बिल्कुल। ये भैया आपने ऐसे कितने नंबर्स देखे होंगे जिसमें चीजें रिपीट हो रही होंगी, चलो उसको छोड़ो ये कर लो। क्या ये फोर डिजिट का नंबर नहीं है? बिल्कुल नंबर है। क्या ये इन डिजिट से नहीं बना हुआ? बिल्कुल बना हुआ। तो ऐसे नंबर्स भी होते हैं जिसमें जो डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रहे होते हैं, ये उन्होंने पहले से मना कर दिया। उन्होंने आगे लिख दिया नो डिजिट बीइंग यूज मोर देन वंस, कि कोई भी डिजिट एक से ज्यादा दफा यूज नहीं हो सकता। मतलब ये वाली चीजें ठीक है, ये वाली चीजें जो है ये गलत है, एक डिजिट दो तीन दफा इतनी दफा यूज नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन की मैंने इसको सॉल्व किस तरीके से करोगे आप, डेटा क्या है यहाँ पे, डिजिट कौन से गिवन है आपको, चार डिजिट आपको गिवन है, 2, 3, 5, 7, ठीक है। आपको बनाने क्या है, नंबर ऑफ फोर डिजिट्स, नंबर ऑफ फोर डिजिट नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को मैं एन से लिख रहा हूं। तो नंबर ऑफ फोर डिजिट नेचुरल नंबर कितने बनेंगे, इसको निकालने का तरीका क्या होगा? भाई जो भी फोर डिजिट का नंबर होगा चार डिजिट होंगे ना उसके, तो आप यहां जगह बना लो फोर की, चार प्लेसेस हैं भाई। अब सॉल्व किस तरीके से करोगे, देखो अगर मैं आपको बोलूं ये चार डिजिट से आपने फोर डिजिट के नेचुरल नंबर बनाने हैं, पहली प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा? आप कहोगे सर कुछ भी लिख दे, पहली प्लेस पे टू भी आ सकता है, ए टू से देखो नंबर स्टार्ट हुआ है। अच्छा पहली प्लेस पे थ्री भी आ सकता है, पहली प्लेस पे सेवन भी आ सकता है, इसी तरह पहली प्लेस पे फाइव भी आ सकता है। तो पहली प्लेस पे ये जो फर्स्ट जिसको अगर आप पढ़ते हो ना यूनिट 10, 100, 1000, ये जो 1000 वाली प्लेस है इस पे कोई भी चारों में से आ सकता है, कोई मसला नहीं है सर, यही बोलोगे ना। तो इसका मतलब आपके पास पहले डिजिट को फिल करने के कितने ऑप्शन है, कितने नंबर आप यहां पे पुट कर सकते हो, कोई भी चार नंबर पुट कर सकते हो, 2, 3, 5, 7 कुछ भी आप पुट कर लोगे। तो पहली प्लेस के लिए आपके पास चार ऑप्शन है जो मैं लिख रहा हूं। ये काम आपने हर सवाल में कर रहे हैं, इस सवाल में तो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत बच्चों वाला काम सर करवा रहे हैं, लेकिन बाकी सवाल में काफी हेल्प होगी। तो बेहतर है ये आपने हर सवाल में करना है। ये सेट करने का मकसद ये कि आपके जहन में हो कि यार ये चॉइसेस हैं, क्योंकि जब आप ऊपर फोर लिखोगे ना तो फोर का मतलब क्या है, फोर का मतलब ये कि चार चॉइसेस हैं आपके पास जो कि आप पहली प्लेस पे पुट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने पहली प्लेस पे टू पुट कर लिया जैसे इस नंबर में था, अब टू दोबारा नहीं पुट कर सकते क्योंकि सवाल में उन्होंने बोल दिया नो डिजिट मोर देन ज्यादा दफा आप नहीं यूज कर सकते, एक डिजिट ज्यादा दफा यूज आप नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने टू पुट कर लिया, मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, जरूरी नहीं कि आप पहले पे टू पुट करोगे, कोई भी एक पुट करोगे ना तो या वो टू होगा या वो थ्री होगा या वो फाइव होगा या वो सेवन होगा। तो कंसिडर कर लो आसानी के लिए कि हमने टू पुट कर दिया था। तो अगर मैं आपको बोलूं सेकंड प्लेस के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन बचे, भाई एक मैंने पहले पुट कर दिया वो मैं दोबारा पुट नहीं कर सकता, इसका मतलब सेकंड प्लेस के लिए मेरे पास तीन ऑप्शन बचे हैं, और मेरी वाली एग्जाम्पल के मुताबिक मेरे पास 3, 5, 7 बचे हैं क्योंकि मैंने लेट किया है कि मैंने टू पुट कर दिया। आप फॉर एग्जाम्पल अगर लेट कर रहे हो कि थ्री पुट कर दिया तो आप नेक्स्ट प्लेस के लिए क्या ऑप्शन होंगे, 2, 5, 7 क्योंकि थ्री आपने पुट कर लिया, वो कोई मसला नहीं है, ठीक है। असल बात क्या है कि दूसरी प्लेस के लिए ऑप्शन कितने हैं आपके पास, दूसरी प्लेस के लिए ऑप्शन तीन है आपके पास, असल बात ये है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने थ्री पुट कर दिया दूसरी प्लेस के ऊपर, अब नेक्स्ट प्लेस के लिए आपके पास कितने ऑप्शन बचे, 2, 5 और 7, तो आप क्या लिख दोगे, 2 लिख दोगे कि भाई दूसरी जो तीसरी प्लेस है उसके लिए मेरे पास दो ऑप्शन बचे, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल आपने यहां पे 5 भी पुट कर दिया तो अब आखिरी प्लेस के लिए आपके पास कितने ऑप्शन बचे, एक ही ऑप्शन बचा, ठीक है, और वो होगा यहां पे 7। मेरी एग्जाम्पल के मुताबिक 7 है, जैसे मैंने जो एग्जाम्पल दिया उसके मुताबिक ये डिजिट मैं कहना चाह रहा हूं, 2, 3, 5, 7, पहली प्लेस पे 2, दूसरी पे 3, चौथी तीसरी पे 5, चौथी पे 5। लेकिन आपके एग्जाम्पल में कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल 3, 5, 2, 7, आपके एग्जाम्पल के मुताबिक आपने पहले 3 पुट किया फिर 5 फिर 2 फिर 7, कुछ भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। असल चीज है कि ऑप्शन आपके यही रहेंगे कि पहले के लिए 4, दूसरे के लिए 3, तीसरे के लिए 2 और आखिरी के लिए 1। अभी जो तीनों चार इवेंट मैंने आपके सामने लिखे, पहला इवेंट क्या है, फर्स्ट प्लेस को फिल करना, दूसरा इवेंट सेकंड प्लेस को फिल करना, ये चार इवेंट जो है ये एक साथ करने हैं ना, फोर डिजिट का नंबर बनाना है। तो प्रोडक्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, मल्टीप्लाई करोगे जब सब चीजों को एक साथ करना होता है। तो आप यहां, अच्छा ये पेपर में काम करना है आपने, मैं पहले से बता रहा हूं क्योंकि ये आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा पूरा, क्योंकि सवाल इतने छोटे हैं, अगर एग्जाम में आते भी हैं ये सवाल, लाइक ये सवाल आ सकता है, अभी कुछ भी नहीं है, इसके पहले पार्ट में भी यही काम करना है, दूसरे में भी यही काम करना है, मल्टीप्लाई करना है सबका, तो मजा नहीं है। ये लिखोगे
ये चेकर को बताएगा नहीं यार इस बंदे के कॉन्सेप्ट क्लियर है, पूरा कराची से मल्टीप्लाई करेगा, तो आप थोड़ा डिफरेंट कर देना यार, लगे भी कि यार नहीं कि कॉन्सेप्ट के साथ आप कर रहे हो। अच्छा अब वक्त आगे मल्टीप्लाई करने का, प्रोडक्ट प्रिंसिपल ने हमें अलाउ किया कि टोटल ऑप्शन निकालने के लिए मल्टीप्लाई करो, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये हो जाएगा 24, बेसिकली 4 फैक्टोरियल है ना ये, तो 24 है, तो नंबर ऑफ 4 डिजिट नेचुरल नंबर कितने आएंगे, 24 आएंगे। कंडीशन वही है, मैं आगे शायद ब्रैकेट में लिख देता हूं, नो डिजिट, इसके लिए एक अच्छा वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं रिपीटेशन अलाउ नहीं है, ये अच्छा वर्ड है, रिपीटेशन मतलब चीजें दोबारा नहीं आ सकती, तो आप मैं लिख देता हूं विदाउट रिपीटेशन, ये भी आप लिख देना ताकि जो सवाल में कंडीशन थी ना कि रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए वो भी आप मेंशन कर दो, ताकि कंप्लीट पैकेज हो जाएगा, जो भी चेक करेगा वो समझ जाएगा यार कौन से बच्चे के पूरे क्लियर है। अब आप लोगों का सवाल हो सकता है सर अगर रिपीटेशन के साथ हो फिर क्या करेंगे, ऐसे सवाल भरे हैं जो रिपीटेशन के साथ हैं, तो नेक्स्ट सवाल आएंगे आप खुद ही उसमें ऑब्जर्व कर लोगे, तो मुझे अभी बताने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा हिस्सा भी है, लिखा हुआ है व्हाट विल बी देयर नंबर इफ द गिवन डिजिट आर 2350, राइट ऑल द नंबर्स सो फॉर्म्ड। ये नंबर्स आपको लिस्ट करने की जरूरत नहीं है पूरी, चाहो तो लिस्ट कर सकते हो, इतना बड़ी बात नहीं है, मैं बता देता हूं टेक्निक कैसे होती है। अगर आपको नंबर पेपर में नहीं आता, मैं कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूं, अगर आपको लिस्ट करना है तो ट्री डायग्राम बना लो बेस्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पहला नंबर आपने 2 पुट किया है पहली प्लेस पे, तो दूसरी प्लेस पे 3 पुट कर सकते हो, 5 पुट कर सकते हो, 7 पुट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल दूसरी प्लेस पे अगर आपने 3 पुट किया है तो आप तीसरी प्लेस पे 5 पुट कर सकते हो या 7 पुट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल तीसरी प्लेस पे 5 पुट किया है तो आप 7 ही पुट कर सकते हो, इसी तरह तीसरी प्लेस पे अगर 7 पुट किया तो आप 5 पुट कर सकते हो। तो ये ऑप्शन बन रहे हैं 2357 2375, इसी तरह अगर सेकंड प्लेस पे 5 पुट किया है तो थर्ड प्लेस पे 3 भी पुट कर सकते हो, 7 भी पुट कर सकते हो, अगर थर्ड प्लेस पे 3 पुट किया है तो फिर 7 पुट करोगे, तो 2537 एक 4 डिजिट का ये नंबर आ गया, 2573 एक नंबर आ गया। तो ट्री डायग्राम से आप सारी पॉसिबिलिटी लिख सकते हो, पॉसिबिलिटी लिखना मुश्किल नहीं है, ट्री डायग्राम का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आप सब लिख सकते हो, ये पेपर में लिखना नहीं होता आपको, वैसे कॉन्सेप्ट ये बता रहा हूं। अच्छा अब हुआ क्या है कि डिजिट कंडीशन वही है, 4 डिजिट के नंबर्स आपको बनाने हैं, कंडीशन सेम ही है, अब डिजिट उन्होंने चेंज कर दी है, अब गिवन डिजिट क्या है, फॉर एग्जांपल इसको पार्ट 1 कह देते हैं हम, पार्ट नंबर 2 में जो गिवन डिजिट है ना वो आपको है गिवन 2350, 7 की जगह 0 डाल दिया उन्होंने। अब असूरी तौर पे तो बंदा ये सोचेगा यार फर्क तो नहीं पड़ता ना, डिजिट कोई भी हो बनने तो 24 ही चाहिए भाई, ये तो फर्क नहीं पड़ता ना डिजिट उसके अंदर क्या है, 7 डाल दो, 6 डाल दो, 10 तो डिजिट नहीं है। अच्छा ये ध्यान में रख लो, बच्चों को ये क्लियर नहीं है कि मैथ के अंदर डिजिट कितने होते हैं, मेरे ऑनलाइन क्लास के बच्चे बैठे हैं, मैं क्या बता सकते मैथ के अंदर कितने डिजिट्स हैं, मेरे ऑनलाइन बच्चों को बता नहीं पा रहा गिवन डिजिट्स मैथ के अंदर कितने डिजिट है, हालांकि बचपन से आप लोग सुनते हुए आ रहे हो कि ये डेसिमल सिस्टम है। सर मैं समझा नहीं यार, मैथ में डिजिट आप यूज करते हो ना, कितने डिजिट्स हैं जिससे आप नंबर बनाते हो, आपने बचपन से नंबर देखे हैं तो वो नंबर्स टोटल कितने डिजिट से बने हुए होते हैं, कितने डिजिट आपने मैथ के अंदर अभी तक देखे हैं, अभी मैं बताऊंगा तो उन्होंने बोलोगे हाँ सर हमने ये देखे हैं। यार मैथ में टोटल 10 डिजिट होते हैं, ये जो वर्ड आप बोलते हुए आ रहे हो डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम का मतलब क्या होता है, 10 डिजिट, एक होता है बाइनरी सिस्टम जो कंप्यूटर वाले बच्चे पढ़ते हैं, वैसे भी बच्चों ने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, 0-1 जिसके अंदर 2 नंबर होते थे, बाइनरी सिस्टम में 0-1 होता है बस और कुछ भी नहीं होता, 0-1 से हर चीज बनी हुई होती है। अगर बाइनरी सिस्टम में कोई 10 डिजिट का भी नंबर होगा ना वो 0 और 1 का होगा, उसके अलावा कोई नंबर ही नहीं होगा उसके अंदर। सेम इसी तरह अगर आपका कोई डेसिमल सिस्टम है, मैं आपको बोलता हूं कि आप 5 बिलियन लिखो, इसी चीज में मैं आप लोगों को बिलियन का भी कॉन्सेप्ट बता देता हूं, आमतौर पर लोगों को पता नहीं है बिलियन होता क्या है, क्योंकि एशिया में सिस्टम यूज होता है लाख, करोड़, अरब, इंग्लिश में यूज नहीं होता, इंग्लिश सिस्टम जो है, ब्रिटिश सिस्टम जो है या अमेरिकन सिस्टम बिलियंस मिलियंस में कर रहे होते हैं, तो बिलियंस क्या होता है, इसके अंदर आएगा 9 डिजिट्स आते हैं, मैं आपको अमाउंट बताता हूं बिलियंस होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखूं 5 6 2 3 4 5 8 9 0 2, जो इंग्लिश सिस्टम होता है ना उसमें 3 डिजिट के बाद आप कॉमा डालते हो, हमारे वाले में 2 के बाद डाल रहे हो, पहली दफा 3 के बाद डालते हो फिर 2 के बाद डाल रहे हो, तो ये फर्क होता है।
तो देखो यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 ये 1 मिलियन हो जाएगा पूरा। फिर तीन और मिलाओ ये डिजिट जो है ये 5 बिलियन बन रहा है यहां पे। अगर मैं इसको इतना कर देता अभी ये है 5,623,000,000 अगर मैं इसको इतना कर दूं तो अब ये हो जाएगा 3 मिलियन के बाद आप ये कह लो कि कितने लाख हो जाएंगे इसके अंदर 4 लाख हो जाएंगे और 58,000 हो जाएंगे ठीक है। अगर इंग्लिश सिस्टम में आप उसको बोलोगे तो इंग्लिश सिस्टम में बोलोगे 3,458,000 ये फर्क होता है इंग्लिश और वो जो हमारा सिस्टम चल रहा होता है। बाद कह रहा मैं चाह रहा हूं कि अगर मैं आपके सामने कोई ऐसा नंबर लिखूं कि जिसके अंदर 15 डिजिट हो तो फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं एक फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूं पहले फिर बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 16 हो गई ये मैंने आपके 16 डिजिट का नंबर लिखा है। अभी हम इसमें नहीं पढ़ रहे कि क्या है ट्रिलियन के बाद क्यों बड़ी अमाउंट होगी पता नहीं ट्रिलियन के बाद क्वाड्रिलियन क्या होता है क्या छोड़ दो उसको अभी इतना बड़ा नंबर है। आप ऑब्जर्व करोगे ये टोटल 10 डिजिट से बना हुआ है। टोटल 10 डिजिट कौन सी है 2, 5, 3, 5 दोबारा रिपीट हो रहा है 0, 2 दोबारा रिपीट हो रहा है 1 दोबारा 5 आ रहा है 6, 9, 8, 1 दोबारा आ रहा है 6 दोबारा आ रहा है 7 और 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 ही डिजिट है आपकी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दैट्स इट। जितने आपके नंबर हैं 10 डिजिट से बने हैं। अब ये कौन सा बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है लेकिन हमारे बच्चों को ये भी नहीं पता कि टोटल 10 डिजिट है ठीक है। इन 10 डिजिट से आपका हर नंबर बन रहा होता है ये कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लो ठीक है। अब दोबारा से एग्जाम्पल पे आ जाओ हम ये सोचेंगे यार कि अगर 7 को रिप्लेस कर दिया 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए भाई जैसे 7 था उसकी जगह कोई और आ जाए ऑप्शन तो अपने रहना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है अगर 7 को आप रिप्लेस करते हैं 2 से नहीं 2 तो आया है फॉर एग्जाम्पल 7 को रिप्लेस करते हैं 4 से या 7 को रिप्लेस करते हैं 9 से तब ये बात बिल्कुल ठीक थी। 0 जो है वो मसला करता है। 0 क्यों मसला करता है वो अभी मैं बताता हूं आपको। आप पॉसिबिलिटी लिखो नंबर ऑफ 4 डिजिट नेचुरल नंबर वही प्लेसेस डालते हैं। अब देखो यहां पे ये चीज बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे कौन सा असर बच्चों का क्लियर होगा ठीक है। मैं आपको बोलता हूं पहली प्लेस को आपने फिल करना है। अब देखो जितने भी आपने 4 डिजिट के नंबर पढ़े होंगे 4 डिजिट के नंबर जो हैं उसमें अगर स्टार्ट में 0 आ जाए तो फिर वो 4 डिजिट नंबर नहीं कहलाता। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि आपके पास इतने पैसे हैं तो आप लोग क्या बोलोगे इसको आप इसको बोलोगे सर 350 रुपए भाई 0 को क्यों इग्नोर कर दिया बोलोगे सर 0 अगर डिजिट से पहले आए कोई सिग्निफिकेंस नहीं है उसकी बाद में है तब बहुत सिग्निफिकेंस है ठीक है। तो अब ये 4 डिजिट का नंबर नहीं कहलाया जाएगा 3 डिजिट का नंबर कहलाया जाएगा। तो दैट्स व्हाई 0 दरमियान में आ सकता है 0 एंड पे आ सकता है होल नंबर की बात कर रहा हूं अभी मैं 0 दरमियान में आ सकता है एंड पे आ सकता है स्टार्ट में नहीं आ सकता क्योंकि फिर वो उतना डिजिट वो काउंट नहीं होगा अगर स्टार्ट में आए तो ठीक है। तो दैट्स व्हाई जो पहली प्लेस है इसको अच्छा याद रखना है जो तरीका होता है ना फिल करने का इसमें सबसे पहले आप वो जगह फिल करते हो जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन होती है। यहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी तो मैंने इस ऑर्डर में फिल कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर इस जगह रिस्ट्रिक्शन होती अभी आएगी कि नंबर A1 हो तो A1 के लिए यहां रिस्ट्रिक्शन होगी। जो भी रिस्ट्रिक्शन आपको होती है ना उस वाली जगह को आपने पहले फिल करना होता है। अब इस सवाल में रिस्ट्रिक्शन है पहली प्लेस पे 0 नहीं आ सकता ये रिस्ट्रिक्शन है इसके अंदर। तो दैट्स व्हाई पहली प्लेस को सबसे पहले आपने फिल करना है। तो पहली प्लेस के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है भाई पहली प्लेस पे आप 2 पुट कर सकते हो 3 पुट कर सकते हो 5 पुट कर सकते हो इसके अलावा कुछ नहीं पुट कर सकते 0 नहीं आ सकता तो उसका मतलब पहली प्लेस के लिए आपके पास कोई भी 3 ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल आपने 2 पुट कर लिया अब दूसरी प्लेस के लिए कितने ऑप्शन है देखते हैं 3 बचा 5 बचा और 0 भी तो है ना। दूसरी प्लेस पे 0 को थोड़ी ना मसला कोई दूसरी प्लेस पे तो 0 आ सकता है 0 को पहली प्लेस के लिए तो पहली प्लेस के लिए नंबर ऑफ ऑप्शन में 0 नहीं था लेकिन दूसरी प्लेस पे तो ऑप्शन में 0 है ना आ सकता है बिल्कुल तो इसका मतलब दूसरी प्लेस के लिए 3 ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल आपने 3 पुट कर दिया अब इस प्लेस के लिए आपके पास कितने ऑप्शन बचे 5 और 0 मतलब 2 ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल आपने 5 पुट कर लिया तो अब आखिरी प्लेस के लिए आपके पास कितने ऑप्शन बचे 1 ही ऑप्शन बचा है वो आपने यहां पे ये असल चीज थी ठीक है। तो जरा मैं आखिरी स्टेप लिख देता हूं इसके इसमें होगा प्रोडक्ट प्रिंसिपल लगाओ भाई ये हो जाएगा
3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 3 3s are 9 9 2s are 18 अब नंबर ऑफ 4 डिजिट नेचुरल नंबर बनेंगे वो होंगे 18 और अगेन रिपीटेशन का जिक्र नहीं किया गया तो आप ब्रैकेट में लिख दो विदाउट रिपीटेशन कि भाई रिपीट नहीं हो सकता कोई डिजिट उसके बगैर बात कर रहे हैं ये सब डिजिट वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा आई होप। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए मैं प्रॉपर डाटा नहीं बना रहा आपने देख लिया कोशिश करूंगा जल्दी से हो जाए क्या लिखा है हाउ मेनी फाइव डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट भाई दो केसेस होते हैं काउंटिंग प्रिंसिपल के या तो आपको बोला जाता है कि डिजिट रिपीट कर रहे हैं या आपको बोला जाता है डिजिट रिपीट नहीं कर रहे हैं तो जरा इस पे आपने गौर करना है रिपीट करने का मतलब आपको पता है कि इस रिपीट को इस तरह समझो कि एक डिजिट आपने यूज किया तो जो डिजिट आपने यूज किया स्टॉक में दोबारा वो आ गया दोबारा उसको आप यूज कर सकते हो अगर दोबारा आपने यूज किया फिर वो स्टॉक में आ गया मतलब उसका स्टॉक इनफाइनाइट है वो कभी खत्म नहीं होगा जितनी दफा आप यूज करना चाह रहे हो आप यूज करो ये रिपीटेशन का कॉन्सेप्ट होता है विदाउट रिपीटेशन का मतलब कि एक ही दफा आपने यूज करना है। तो सवाल में गिवन क्या है जो गिवन डिजिट्स है उनको आप मेंशन कर लो जो गिवन डिजिट्स है वो है पार्ट नंबर 1 की अगर मैं बात करूं 5 6 7 8 9 ये आपको सवाल में डिजिट्स गिवन है आपको बोला क्या है हाउ मेनी फाइव डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म आपको बोला जा रहा है इन डिजिट से बताओ कि फाइव डिजिट के नंबर कैसे बना सकते हो ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो अगेन टोटल नंबर इसको आप क्या बोलते टोटल नंबर ऑफ इस तरह लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ फाइव डिजिट नंबर टोटल नंबर ऑफ फाइव डिजिट नंबर्स या आप इस तरह कह सकते हो टोटल फाइव डिजिट नंबर्स इस तरह भी कह सकते हो खैर मर्जी आपकी पॉसिबिलिटी क्या होगी आपने पांच दफा डैश बनानी है ये पांच आपने बनानी है रिपीटेशन अलाउड नहीं है इसके अंदर इसका मतलब अगर एक दफा यूज करोगे दोबारा यूज नहीं कर सकते तो पांच है पहली दफा पांच अब इसके नीचे लिख देना जैसे मैंने आप लोगों को बताया था सब लिख देना इसके नीचे मेंशन कर देना फिर दूसरी प्लेस के लिए चार फिर तीन फिर दो फिर एक क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो जैसे आप फिल करते जाओगे वो चीज खत्म होती जाएगी रिमेनिंग बचती जाएगी एक अगर आपने पुट कर दिया तो दूसरे के लिए चार बचेंगे दूसरे पे पुट कर दोगे तीसरे के लिए तीन बचेंगे इस तरह करोगे सॉल्व करोगे आंसर होगा 5 factorial जो कि बराबर होता है 120 ठीक है इस तरीके से कोई डाटा बनाना है आप तो देख लेना मैं जरा सॉल्यूशन करवा दूं फिर क्या लिखा है आपको पार्ट नंबर 2 में 6 डिजिट गिवन है आप जरा जैसे मैंने बताया था ना कि डिजिट 6 है लेकिन आपको 5 डिजिट का नंबर बनाना है अब ये डिजिट है ठीक है 6 डिजिट है लेकिन 5 डिजिट का नंबर बनाना है प्रेजेंटेशन आप लोग कर लेना मैं आप लोगों को बता देता हूं पहली प्लेस पे कोई भी 6 पुट कर सकते हो दूसरी प्लेस पे 5 तीसरी प्लेस पे 4 फिर 3 फिर 2 क्योंकि 5 डिजिट का नंबर आपको बनाना था फर्क कुछ नहीं पड़ेगा अगर आप इन 6 डिजिट से 6 डिजिट के नंबर भी अगर आप बना लो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा एंड पे 1 आएगा और मैटर नहीं करता तो इसका मतलब आप इसको इस तरह समझ सकते हो कि 6 डिजिट से अगर आप 5 डिजिट के नंबर बनाओ या 6 डिजिट से आप 6 डिजिट के नंबर बनाओ पॉसिबिलिटी सेम होगी। सॉल्व करो 6 factorial है 6 factorial क्या होता है 720 के बराबर होता है ये वही बात है आप इसको इस तरह समझ सकते हो कि अगर आपके पास 3 डिजिट है 1 2 3 और आपको बोला जाए कि यार आप 2 डिजिट के नंबर बनाओ या आप 3 डिजिट के नंबर बनाओ तो पॉसिबिलिटी सेम ही होंगी 2 डिजिट के नंबर बनाओगे तो कोई भी 3 पुट कर सकते हो कोई भी 2 इधर होगा 3 2 1 दोनों के आंसर में 6 मिलेगा और वह करके भी आप देख सकते हो मुश्किल एग्जाम्पल को समझने का तरीका होता है एग्जाम्पल को आसान करके समझ लो 2 नंबर क्या बनाओ जरा 1 2 बनेगा 1 3 बनेगा 2 1 2 3 3 1 और क्या कर सकते हो आप यहाँ पे 3 2 हाँ क्योंकि ऑर्डर मैटर कर रहा होता है यहाँ पे क्योंकि जब नंबर आप बनाते हो तो 13 अलग नंबर है 31 अलग नंबर है क्योंकि आगे जाके आप ऐसी एक्सरसाइज पढ़ोगे कॉम्बिनेशन वहां पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा होगा लेकिन इधर मैटर करता है सवाल को आप देख के खुद ही समझ सकते हो कि जब नंबर बनाने तो ऑर्डर तो मैटर करेगा 13 और 31 दोनों डिफरेंट है तो 6 नंबर बन रहे हैं इन 3 डिजिट से 2 डिजिट के 6 नंबर आपको मिल रहे हैं सेम काम आप ये कर सकते हो कि इन 3 डिजिट को पिक करो और उनसे 3 डिजिट के नंबर बनाओ तब भी 6 बनेंगे फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 1 3 2 फिर 2 1 3 2 3 1 फिर 3 1 2 3 2 1 बन जाएंगे ठीक है। खैर तो ये 720 हो गया। अच्छा उसके बाद क्या लिखा हुआ है अब जो डिजिट है पार्ट नंबर 3 में वो 0 आ गया 0 जब आता है मैंने बताया मसला है आप लोगों पहले सीख लिया होगा 2 4 6 8 0 5 डिजिट के नंबर बनाने अगेन वही आप 5 डैश डालोगे
अब देखो जो रिस्ट्रिक्शन होती है ना सवाल में उसको आप पहले फिल करते हो। अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, पहले में रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, कहीं भी कुछ भी आप पुट कर दो। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है कि पहली प्लेस पे जीरो पुट नहीं कर सकते, तो जो रिस्ट्रिक्शन होती है उसको पहले फिल करते हो आप। तो पहली प्लेस पे आपके पास चार ऑप्शन है, ये 2, 4, 6, 8। एज्यूम कर लो आपने पहली प्लेस पे कोई भी एक पुट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने 2 पुट कर दिया। अब नेक्स्ट प्लेस के लिए आपके पास क्या ऑप्शन होंगे, ये 3, क्योंकि एक तो आपने पुट कर दिया, तो रिमेनिंग 3 और 0। सेकंड और बाकी प्लेसेस पे आप 0 पुट कर सकते हो, पहली प्लेस पे 0 पुट नहीं कर सकते वरना वो नंबर 5 डिजिट का होगा नहीं। जैसे अगर आपके सामने 0, 2, 8, 6, 4 लिखा तो ये 5 डिजिट नंबर नहीं है, ये 4 डिजिट नंबर कहलाया जाएगा। तो रिस्ट्रिक्शन 0 की पहली प्लेस के ऊपर थी, बाकी प्लेस के ऊपर नहीं थी। तो उसका मतलब बाकी प्लेस पे आप 0 पुट कर सकते हो, तो ये 4 ऑप्शन आपके पास बचेंगे सेकंड प्लेस के लिए। कंसीडर कर लो आपने 4 पुट कर लिया, अब 3 ऑप्शन बचेंगे, फिर 2 बचेंगे, फिर 1 बचेगा। तो 4, 4 16, 16, 3 48, 48, 2 96, इसका मतलब टोटल 96 आपके पास 5 डिजिट के नंबर बनेंगे इन डिजिट से। यार ये जो 11 क्वेश्चन है ना, ये मुझे लगा था कि ये काउंटिंग प्रिंसिपल का है, कर तो सकते हो आप काउंटिंग प्रिंसिपल से, लेकिन ये परमुटेशन से करें तो ज्यादा आसानी होती है, क्योंकि यहाँ पे डिजिट जो है वो रिपीट कर रहे हैं। ये रिपीटेशन वो वाली रिपीटेशन नहीं है, वो जब आप परमुटेशन का रिपीटेशन वाला केस समझोगे ना वो अलग होता है। मतलब इसको इस तरह समझ लो कि जब आपके पास डिजिट है और उसमें से डिजिट को रिपीट कर रहा है, एक रिपीटेशन आपको खुद गिवन होती है, रिपीटेशन अलाउ है, इसका मतलब है कि 2 को आप इनफाइनाइट दफा यूज कर सकते हो। एक रिपीटेशन होती है कि 2 दो या 3 दफा गिवन है, वो इनफाइनाइट नहीं, 2, 3, 4 दफा गिवन होगा, वो अलग किस्म की रिपीटेशन है। तो कहने का मतलब ये वाला परमुटेशन से हम करें तो ज्यादा अच्छा होगा, वरना काउंटिंग प्रिंसिपल से आप कर सकते हो। कितने डिजिट है, टोटल 8 डिजिट है, तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 दफा, 3 दफा 2 आ रहा है और 3 दफा 3 आ रहा है, तो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, तो आप कर सकते हो इसको आसानी से। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट परमुटेशन के अंदर मैंने बताया, तो सवाल को हम परमुटेशन के साथ ही कर लेंगे, उस वक्त आपको ज्यादा अच्छा पता चलेगा। और आगे लिखा हुआ है ना, हाउ मेनी अमंग दीज आर ग्रेटर देन, पता नहीं, तो वो भी हम इंशाल्लाह बाद में कर लेंगे। अब आज डिजिट में जो हमारे क्वेश्चन बचे हैं ना, वो है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 पे आ जाओ। 15 में क्या लिखा हुआ, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग ईच वन ऑफ द डिजिट ओनली वंस। अगेन रिपीटेशन अलाउ नहीं है, बहुत इजी केस है, सिंपल। आपने क्या करना है, आपके पास 5 डिजिट गिवन है और आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है। आप लोग ट्राई कर लेना, डेटा शेटा बना लेना इसका, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। 3 डिजिट का नंबर है तो 3 प्लेसेस होंगी, टोटल आपके पास 5 डिजिट है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसका मतलब पहली पे आप 5 पुट कर दो, दूसरी पे 4, तीसरे पे 3। अगर रिपीटेशन अलाउ होती तो 5, 5, 5 होता, रिपीटेशन अलाउ होती तो फिर कोई स्टॉक से खाली नहीं होता ना, मतलब स्टॉक किसी का खाली नहीं होता, आपने एक पुट किया दोबारा वो आ जाएगा। तो अगर रिपीटेशन अलाउ होती तो ये सिचुएशन होती, अभी आपको बोला हुआ है कि एक ही दफा यूज करोगे, मतलब रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो ये फॉर्मूला है जिसका आंसर हो जाएगा 60। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 15 का, डाटा आप लोग बना देना इसका, मैंने समझाना है। सर क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो थोड़ा समझाना पड़ेगा, हम जरा देखते हैं कोई और डिजिट, कोई इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा इजी है, वो यहां पे सॉल्व हो सकता है। 19 में बोला हुआ है, हाउ मेनी 5 डिजिट मल्टीपल ऑफ 5 कैन बी फॉर्म, ये 5 इस तरह बोलना चाहिए था, 5 डिजिट नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, ये अच्छा वर्ड रहेगा। मतलब आपको 5 डिजिट के नंबर बनाने हैं जो 5 के मल्टीपल हो, मतलब 5 के टेबल में आते हो, ये सवाल आपसे बोला है। ये कितने बन सकते हैं गिवन डिजिट से, गिवन डिजिट क्या है, 2, 3, 5, 7, 9, 19 के अंदर। तो गिवन है 2, 3, 5, 7, 9, आपको 5 डिजिट के नंबर बनाने, तो 5 प्लेसेस होंगे। लेकिन यहां पर रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन क्या है कि भाई जो नंबर आपने बनाने हैं वो 5 के मल्टीपल होने चाहिए, ये रिस्ट्रिक्शन है। तो अब कोई भी नंबर 5 का मल्टीपल या 5 के टेबल में कब आता है, जब उसके एंड पे 0 या उसके एंड पे 5 आ रहा हो, बहुत सिंपल सा रूल है। अगर किसी नंबर के एंड पे 0 आ रहा है या किसी नंबर के एंड पे 5 आ रहा है, एंड पे जिसको यूनिट प्लेस आप कहते हो, एंड पे अगर 0 या 5 आ रहा है तो उसका नंबर, इसका मतलब है कि वो 5 का मल्टीपल है, या जिसको दूसरी लैंग्वेज में आप बोल सकते हो 5 के टेबल में आता है। तो इसका मतलब जो आखिरी प्लेस है उसमें रिस्ट्रिक्शन है, तो आखिरी प्लेस में कितने आप पुट कर सकते हो। देखो ना 0 यहां पे, सिर्फ 5 मौजूद है, इसका मतलब आखिरी प्लेस पे आप जस्ट 1 पुट कर सकते हो। अच्छा नॉर्मली बच्चे गलती पता है करते हैं, यहां डैश के ऊपर 5 लिख देते हैं। याद रखो डैश के ऊपर आपने लिखने होते हैं नंबर ऑफ वेज कि उस इवेंट को आप कितने तरीकों से परफॉर्म कर सकते हो। इवेंट क्या है, यूनिट प्लेस को फिल करना, यूनिट प्लेस को फिल करने का एक ही तरीका है यहां पे कि आप 5 पुट करो। तो आपने ऊपर लिखने होते हैं नंबर ऑफ वेज, नीचे आप लिखते हो कि यार ये कौन सा वेज है, तो आप नीचे लिख, अगर चाहो तो नीचे लिख सकते हो 5,
बताने के लिए यहाँ पे एक ही ऑप्शन है फाइव, जो मैंने ऊपर वन लिखा हुआ ना, तो वो कौन सा ऑप्शन है, वो फाइव है, मैं इस पे फाइव पुट कर सकता हूँ। तो ऑब्वियसली फाइव ही पुट करूंगा, यहाँ पे कोई और नंबर नहीं पुट कर सकता क्योंकि जीरो भी नहीं है यहाँ पे, तो फाइव मैं यहाँ पे पुट करूंगा। रिपीटेशन अलाउ नहीं है यहाँ पे डेफिनेटली, व्हेन डिजिट में रिपीट, अच्छा रिपीटेशन यहाँ पे अलाउ है, उसका मतलब अगर आपने एंड पे फाइव पुट कर दिया तो फाइव दोबारा स्टॉक में आ जाएगा, मतलब फाइव खत्म नहीं होगा। तो एंड पे जब आप फाइव पुट कर लोगे, फाइव आपके पास दोबारा अवेलेबल होगा, मतलब ये पांच के पांच ट्रेडर आपके पास अवेलेबल होंगे, आप किसी भी जगह पे पुट कर सकते हो। अगेन आपने कोई भी नंबर यहां पे पुट किया, वो डिजिट दोबारा स्टॉक में आ जाएगा, इसका मतलब दोबारा फाइव पुट कर सकते हो, दोबारा फाइव, दोबारा फाइव। बस आखिरी प्लेस पे रिस्ट्रिक्शन थी कि आप जस्ट फाइव पुट करोगे और कुछ नहीं पुट कर सकते, एक ही नंबर ऑफ वे है, लेकिन बाकी प्लेसेस पे क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है तो आपकी मर्जी है, पांच में से कुछ भी पुट करते जाओ। तो आप इनको मल्टीप्लाई करो आपस में, वन को इग्नोर कर दो, फाइव की पावर फोर जो कि बराबर होती है 625 के, तो 625 तरीके से आप इन पांच सीरीज में से ऐसे नंबर बना सकते हो जो फाइव के टेबल में आते हैं। अब इस टाइप के नंबर होंगे, फॉर एग्जाम्पल 2225, अब ये फाइव डिजिट का नंबर है, फाइव के टेबल में आता है, रिपीटेशन भी अलाउ है ना यहाँ पे, तो इस टाइप का बना सकते हो, इस तरह बना सकते हो 2335 5, इस तरह बना लो आप, इस तरह बना सकते हो 2775 5, ये भी फाइव डिजिट का नंबर है, रिपीटेशन अलाउ है, फाइव के टेबल में आता है। तो इस टाइप की सारी पॉसिबिलिटी बन सकती है, जो 625 लिखी है वो इसी टाइप की सारी पॉसिबिलिटीज मैंने लिखी है।